अनलिमिटेड कंपनी का कोई बेनिफिट नहीं है यार कोई बेनिफिट नहीं है वही यही तो मैं कह रहा हूं उमदा कोई भी नहीं बनाएगा कोई पागल ही बनाएगा इस कंपनी को लॉ में एग्जिस्ट करता है लॉ में एग्जिस्ट करता है इसके नाम क्या अनलिमिटेड लिखा हुआ हो होगा माजिद कास का सवाल है कि यार दस लाख के एसिड है तो पहले तो बकास दस लाख के एसिड दस लाख आपने दिया जो पच्चीस लाख का एसिड खरीद ही नहीं सकते फिर भी मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ लाइब्रेटी आपकी फिर भी दस लाख की होगी पच्चीस लाख नहीं होगी और कोई है क्वेश्चन किसी कोई क्वेश्चन है वाइंडिंग अप के इवेंट भी करेंगे कंट्रीब्यूशन बिल्कुल वाइंडिंग अप के इवेंट पे करेंगे कंट्रीब्यूशन चीजें रहे समझ में आ रही है क्लियर हो रही है सब बच्चों से मुझे जवाब चाहिए मुझे, मुझे सब बच्चे बताओ चीजें समझ में आ रही है क्लियर हो रही है कोई कंफ्यूजन तो नहीं है सारे बच्चे बताओ एक एक करके जल्दी जल्दी चीजें समझ में आ रही है बच्चों को कंफ्यूजन तो नहीं है नहीं 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 पर्सनल यूज़ के एसिड है अपनी कंपनी के नाम पे नहीं बाय कर सकते कंपनी के नाम पे कुछ भी बाय करेंगे पर्सनल यूज़ पे भी चला लें लेकिन वो रहेगी कंपनी की अच्छा सवाल है ये अवकाश का, का मैं शेयर करता हूँ कि सर हम कोई कंपनी के नाम पर एसिड के पर्सनल यूज़ पे चला सकते हैं बिल्कुल चला सकते हैं आप चला लें लेकिन वो रहेगी कंपनी की क्योंकि कंपनी के नाम पे कंपनी का एसिड तो होगा वो, वो कंपनी की बुक शॉप में आएगा आपका नहीं कराया जाएगा वो आगे बढ़ूँ मैं आगे बढ़ू बच्चों जल्दी को दो। हाँ इनके ऑफ डिफॉल्ट लेवल होगा भाई एसिड आपकी बिकेंगे सही है चलें चलें जी आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं नया सा स्टार्ट करते हैं अच्छा ये अच्छा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप लोगों ने इसको बहुत ही तमीज़ से पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें टाइम भी दूंगा मैं ज़्यादा बहुत तरीके से इसको पढ़ना है अच्छा अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं सही है देखो दो देखो एक होता है कंपनी आप अपने गौर से सुनना है सबने और रजिस्टर भी हाथ में हो जो चीज़ लिखना चाहो नोट करना चाहो नोट करो सही है सब बच्चे रेडी हैं रेडी है मैं शुरू करूँ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है देखो एक कंपनी मैंने अभी ऊपर बताया कि यार हम पांच लोग मिले हमने कंपनी बना ली मेरे पास ऑप्शन है कि यार मैं प्राइवेट कंपनी बनाऊं पब्लिक कंपनी बनाऊं पब्लिक में लिस्टे में लिस्टेड बनाऊं बनाऊं पब्लिक अनलिस्टेड गारंटी लिमिटेड बनाऊं क्या बनाऊं मेरी मर्जी पे है सही है अच्छा एक होता है कि यार एक कंपनी भी कंपनी बनाती है जैसे बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं एंग्रो का ग्रुप है सही है बहुत सारी कंपनी है हाउस ऑफ अभी भी एक ग्रुप है बहुत सारी कंपनी है सही है फिर कंपनी भी एक कंपनी इंकॉप्रेट करती है तो यार दोनों का आपस में रिश्ता होगा ना यार कुछ ना कुछ मेरे भाई बहन होते हैं भाई भाई है माँ बाप है चाचा ताएँ हैं रिश्ता होता है ना इस तरह तो कंपनी का कंपनी के साथ भी रिश्ता होता है वो रिश्ते में नाम है क्या नाम है कोई बताएगा क्या नाम होते हैं उनके कि तो कंपनी क्या कहलाती है एक दूसरे की सुना होगा कभी बताएं लिखा हुआ भी आ रहा है स्क्रीन पे बताएं जल्दी बताएं होल्डिंग बिल्कुल लिखा हुआ भी आ रहा है और सब्सिडरी बिल्कुल और बताएं एक और होता है ये नहीं लिखा हुआ एक और होता है कौन बताएगा पेरेंट पेरेंट और होल्डिंग एक ही होता है हमजा पेरेंट कंपनी होल्डिंग कंपनी एक ही होता है एसोसिएट 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 बेहतरीन बेहतरीन हमजा या, या ये सिस्टर सिस्टर कंपनी कंसर्न ये सब है, वही इसी है ऑल्टरनेट वर्ड यूज होते हैं सही है तो अब एक सबसे पहला कौन सा हम पढ़ते हैं होल्डिंग कंपनी होल्डिंग कंपनी क्या होती है अच्छा आप सब सुनेंगे मेरी बात अब कोई कोई चैट में कुछ नहीं लिखेगा मैं पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा फिर बताते हैं क्या है अच्छा होल्डिंग कंपनी होल्डिंग कंपनी क्या होती है यार अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को बनाती है अगर उसके पास जो कंपनी बना रही है उसके पास वो दूसरी कंपनी के पचास परसेंट से ऊपर शेयर्स हैं तो वो कंपनी होल्डिंग कंपनी के लग जाएगी अच्छा वो पचास परसेंट शेयर डायरेक्टली भी होते हैं इनडायरेक्टली भी होते हैं डायरेक्टली क्या इनडायरेक्टली क्या है मैं आगे बैठ डायग्राम बनी हुई मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं दोबारा रिपीट करता हूँ एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी को बनाती है ए कंपनी बी कंपनी को बनाती है और वो ए कंपनी ने उस बी कंपनी के 50 परसेंट से ज्यादा शेयर्स लिए हैं तो वो ए कंपनी होल्डिंग कंपनी के लाई जाएगी सही दूसरी अगर उस के कंपनी का 50 परसेंट शेयर नहीं है लेकिन उस बी कंपनी के साथ इस तरह का अरेंजमेंट है कि मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स जो है उसके वो उस ए कंपनी के बैठेंगे तो वो ए कंपनी होल्डिंग कंपनी के जाएगी मतलब क्या हुआ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर सात है

शेयर होल्डिंग है तो उसकी वो होल्डिंग कंपनी कहलाई जाएगी उस बी कंपनी की या या उस कंपनी के बी कंपनी जो है उसके बोर्ड में सात बंदे हैं सात में से चार बंदे उस ए कंपनी के बैठे हुए भले से पचास परसेंट शेयर होल्डिंग नहीं है बीस परसेंट है पच्चीस है तीस है चालीस है पैंतालीस है फिर भी वो उसकी होल्डिंग कंपनी कहलाई जाएगी सही है मैं इसको रीड करता हूँ रीड करता हूँ सुने मैं दोबारा समझाता इट मीन्स अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विच होल्ड मोर देन फिफ्टी परसेंट इन दोटिंग सिक्योरिटी वोटिंग सिक्योरिटी मतलब शेयर वोटिंग वाले जिससे आप वोट कर सकते हैं वोट नहीं कर सकते मैं आगे बताऊंगा कौन से शेयर होते हैं वोटिंग हो सकते हैं वोटिंग हो सकते भी आप इस कॉन्सेप्ट को छोड़ दें ठीक है सिंपल लगते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोर देन फिफ्टी परसेंट इन द सिक्योरिटीज ऑफ एनी अदर कंपनी और कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ सच अदर कंपनी मतलब क्या हुआ यार वो यार्ट ऊपर के शेयर हो उसके फिफ्टी हो फिफ्टी वन हो नाइन हो हंड्रेड हो सेवेंटी हो सेवेंटी बोर्ड को कंट्रोल करता सात शेयर होल्डर्स है सात मतलब जो चार है ना पांच है छह है वो उसके हो तो क्या होगा क्यों कहा गया है कि यार वो बोर्ड को कंट्रोल करता हूँ क्यों होल्डिंग कंपनी का क्या मतलब है वो होल्ड कर रही है तो क्यों कहा गया है पचास परसेंट शेयर होल्डिंग नहीं है फिर तो भी वो कह रहा है कि यार तुम होल्डिंग कंपनी हो क्यों मुझे बताएं दिमाग चलाएं बताएं सोचें इस पर सोचें बिल्कुल एक्सलेंट तहरीम एक्सेलेंट हमजा गुड गुड और और बच्चे भी और बताओ और भी तो है कांग है सारे जवाब दो और किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या कुछ मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ कि यार वो क्यों कह रहा है कि यार कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड है उसमें आप के साथ में से चार लोग होंगे तो फिर भी आप होल्डिंग कंपनी होगे भले से पचास परसेंट शेयर ना हो ऐसा क्यों है पचास परसेंट मेरे एक घर है मेरा उसका आधे सारा हिस्सा है तो मैं होल्ड कर रहा हूँ समझ में आ रहा है एक चीज है वो कह रहे हैं कि यार आपके पचास परसेंट शेयर ना भी हो मुझे परवाह नहीं है लेकिन आप बोर्ड की कंपोजिशन जो है सात में से चार आपके हो तो भी आप होल्डिंग कंपनी के रह जाएंगे क्यों कहा है गुड वाजिद गुड गुड सही है काफी सारे बच्चों ने सही जवाब दिया इसकी वजह सिंपल ये है कि यार आपके पास कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगी डिसीजन मेकिंग पावर होगा सात बंदे हैं सात में चार आपके बैठे हुए तो कोई भी डिसीजन आप ले सकते हो यार वो तीन ना बोले फर्क नहीं पड़ता चार तो मेरे अपने बैठे हैं ना मैं जब चाहूँ किसी भी चीज पे चाहू डिसीजन ले सकता हूँ फिफ्टी वन परसेंट से भी यही काम होता है और बोर्ड में बैठे हुए पांच में से सात में से चार उनमें भी यही काम होता है समझे समझ में आ रहा है

तो उन्होंने खरीदा था तो उन्होंने पचास परसेंट के ऊपर शेयर होल्डिंग नहीं ली थी उन्होंने लेकिन मैनेजमेंट कंट्रोल लिया था। उन्होंने कहा था हम सौ में से तीस परसेंट छब्बीस परसेंट खरीद रहे हैं, लेकिन हम लोग आपका कंट्रोल ले रहे हैं कंपोजिशन होगी वो हमारे हो पास सात में से चार हमारे बैठे होंगे सही वक्का क्लियर हुआ नहीं ऐसा नहीं, नहीं होता भाई चलो अच्छी बात अच्छा सवार भाई कह रहे है अच्छा सवाल वाजिद नहीं किया हैं कि यार एक बंदा हो उसकी बात सब मानते हो भाई ये मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं है कि बेगम है तो सुनेगा उसकी ऐसा नहीं है यहाँ जो भी डिसीजन होता है वहाँ सिंपल मेजोरिटी से होता है आपका वोट यस होगा या नो होगा सात बंदे हैं एक डिसीजन लेना है तो आप यस करोगे नो करोगे फिर वो एंड में डिसीजन देखा जाएगा कि यार सात में से तो कितनों ने यस किया है अच्छा चार ने यस कर दिया सही है हो गया डिसीजन अप्रूव अच्छा चार ने नो कर दिया अच्छा डिसीजन नो हो गया भाई डिसअप्रूव क्लियर होगी ये चीज ऐसा नहीं हुआ क्लियर हुआ दूसरों पर कंट्रोल जब करेगा जब उसके बाद कंपोजिशन कंपोजिशन बोर्ड की हो, उसके पास होगी सात में से चार होंगे दस में से छह होंगे पांच में से तीन होंगे तो जाके वो कंट्रोल कर सकता है नहीं 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 पब्लिक वोटिंग थोड़ी होगी पब्लिक वोटिंग पब्लिक वोटिंग नहीं पब्लिक वोटिंग देखो तो आप लोग मिक्स कर रहे हैं पब्लिक वोटिंग होती है बहुत लिमिटेड चीजों में पब्लिक वोटिंग होती है जैसे डिविडेंड हो गया डिविडेंड को लॉ देखो लॉ जहां जहां पे पब्लिक का डिसीजन चलता है ना तो लॉ ने डिफाइन किया है फॉर एग्जाम्पल जो डिविडेंड होता है डिविडेंड जब अप्रूव कौन करता है शेयर होल्डर्स करते हैं अगर लिस्टेड कंपनी है तो पब्लिक करेगी जो उसके पब्लिक में उसके शेयर होते हैं तो ये अनलिस्टेड कंपनी है तो उसके जितने मेम्बर हैं तो उसमें से कर लेंगे लॉ बताता है जहां लॉ कहता है कि यार ये चीज डायरेक्टर की पावर में है ये डायरेक्टर इसको अप्रूव करे और डिसअप्रूव करेंगे तो वहाँ डायरेक्टर तक रहेगी बात जहां लोग कहते हैं कि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है जो जो आपकी public, मतलब जो आपकी जनरल पब्लिक मतलब मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर से पास होगा वो एक अलग चीज है सही है यहाँ शेयर होल्डर का जिक्र नहीं आया यहाँ बोर्ड का जिक्र है समझ में आया बिल्कुल वाजिब उनका फाइनेंशियल कंट्रोल हो देखो जब सात में से चार आपके अपने बंदे होंगे ना तो आपका कंट्रोल होगा पूछो पूछो यार अच्छी बात है क्लियर करके उठो क्लियर करके उठना हम जो टाइम टाइम दूंगा मैं पूछो और कुछ है सबको तो क्लियर हो गया क्लियर हो गया वाजिद सरफराज तहरीम जो बच्चे पूछ रहे थे क्वेश्चन सही है सही है दो तरह से होल्डिंग कंपनी होती है या तो मेरे पास पचास परसेंट से ऊपर शेयर हो सही है मैं कोई भी डिसीजन ले सकता हूँ भी वोटिंग पावर होगी क्या फिफ्टी वन परसेंट मेरे पास शेयर मैं ले सकता हूं। यार मेरी मर्जी है मुझे किसी की जरूरत नहीं है अगर मेरे पास फिफ्टी वन परसेंट शेयर नहीं है फिफ्टी परसेंट नहीं है उससे कम है या तो फिर मेरे पास उस उस कंपनी का कंपोजिशन ऑफ बोर्ड में मेरे पास ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हुए सही है डन है अच्छा अब हम मूव करते हैं सब्सिडरी कंपनी में बिल्कुल देखो बीओ देखो बी के नंबर के ना देखो वाजिद भाज, के क्वेश्चन है मैं शेयर करता हूँ सबसे वाजिद कह रहे हैं कि यार हम डी के नंबर ऑफ मेंबर देखेंगे उनकी पावर नहीं देखो हर हाँ डायरेक्टर की इक्वल पावर होती है डायरेक्टर में ऐसा नहीं होता कि एक के पास ज्यादा पावर है दूसरे के पास कम है एवरी डायरेक्टर इज सिंगल वोट एवरी डायरेक्टर इज अ सेम पावर इसमें एज का कोई फर्क नहीं होता इसमें एजुकेशन का कोई फर्क नहीं होता आप मैट्रिक पास है आप डायरेक्टर बन के बैठे हैं आपके पास भी एक ही वोट होगा और पी एच बैठा हुआ है उसके पास भी एक ही वोट होगा बिल्कुल बिल्कुल वो तो पूरी हंड्रेड परसेंट शेयर अगर आपके किसी के हैं तो वो भी आ, आपके आप तो होल्डिंग कंपनी हो बिल्कुल ऐसे ही हमजा आगे बढ़े आगे बढ़े चलो सही है अच्छा जी अब ये होल्डिंग आप लोग समझ गए ना सब्सिडरी उसी के उलट है उलट मतलब मैंने कहा था कि यार होल्डिंग को मैं एक एक्सप्लेन करता हूँ मैंने कहा था एक कंपनी की बी कंपनी में पचास परसेंट शेयर होल्डिंग है तो वो एक होल्डिंग कंपनी है एक कंपनी के भी भी कंपनी के बोर्ड में सात में से चार लोग बैठे हुए तो ए कंपनी क्या है होल्डिंग तो कंपनी है तो बी कंपनी क्या होगी जवाब दो जल्दी जल्दी जवाब चलो बी कंपनी क्या होगी ए तो होल्डिंग कंपनी है ना बी की बी क्या होगी गुड हमजा गुड वक्त गुड गुड तरीम वाजिद गुड एक्सेलेंट यार आप लोग समझ गए बेहतरीन बेहतरीन बहुत अच्छे बहुत अच्छे बाकी पार्टिसिपेट करो यार मेरे पास लड़के हैं लेकिन कर नहीं रहे पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट कर रहे हो चार पांच लोग ही कर रहे हैं हमजा कर रहा है वाजिद है वक्स है तहरीम है और कहाँ है बाकी बच्चे कहाँ है तो आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा क्या कोई कंफ्यूजन है तो पूछे प्लीज़ अनकलियर होके मत जाइएगा ये कॉन्सेप्ट है इसी से मेरे बच्चों एमसीक्यू इसी से बनेंगे तीस नंबर में से पंद्रह नंबर का एमसीक्यू कंपनी लॉ से आएगा यहीं से हम इसी तरह की एमसीक्यूज बनेंगे कि वो बोलेगा कि यार आप बताएं ये पब्लिक कंपनी है या नहीं है उसके साठ परसेंट शेयर होल्डिंग है और उसके साथ मुझे चार बैठे हुए इसी तरह से बनेंगे मेरे बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा मैं दोबारा बताऊंगा बताओ मुझे समझ में आ रही है चीजें मुझे सबसे जवाब चाहिए ये सभा जो बैठे हैं बट बैठी है सरफराज है ये भी जवाब दें <coughs> या आईफोन वाले भाई हैं कोई आईफोन वाले भाई भी समझ में आ रहा है सही है अच्छा गुड गुड सही है ब, बड़ा अच्छा आप लोगों ने क्लिक किया यार एक कंपनी तो होल्डिंग कंपनी बी भी कंपनी क्या है सब्सिडरी कंपनी है उसकी यार एक्सेलेंट गुड बहुत अच्छी बात है समझ में आ रहा है आप लोगों को तो अच्छा अच्छा तो सब्सिडरी क्या हो गई फिर सब्सिडरी वो कंपनी हो गई जिसके बोर्ड में गौर तो सुने गौर तो सुनिएगा गौर सुनिएगा चैट रोक दे अभी सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी है जिसके बोर्ड में चार से ज्यादा लोग बैठे हुए हों दूसरी कंपनी के सही है और जिसकी शेयर होल्डिंग पचास परसेंट से ज्यादा किसी के पास हो जिसके पास पचास परसेंट ज्यादा शेयर होल्डिंग है वो होल्डिंग कंपनी होगी

और कंट्रोल्ड बाय सम अदर कंपनी मतलब जिसके 50% से ज्यादा शेयर को दूसरी कंपनी कंट्रोल कर रही हो तो वो क्या सब्सिडरी कंपनी कराई जाएगी जो कर रही है कंपनी वो होल्डिंग है जिसके किए जा रहे हैं शेयर जिसके शेयर्स किए जा रहे हैं जिसके शेयर्स किए जा रहे कंट्रोल वो वो कंपनी सब्सिडरी कंपनी जो कर रहा है वो होल्डिंग है जिसके शेयर किए जा रहे हैं कंट्रोल वो आपकी सब्सिडरी है सही है और दूसरा क्या सच है सच अदर कंपनी चाहे तो लिख लें अपनी बोर्ड सच अदर कंपनी कह रहा है बोर्ड ऑफ सच कच कंपनी समझाता हूँ एक कंपनी है, है? Such company. Such company तो तो है. साथ में से चार डायरेक्टर बैठे हैं बी कंपनी में तो कह रहा है कि ए कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ बी कंपनी सही है एक सच अदर कंपनी मींस ए कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ सच कंपनी मतलब बी कंपनी सही है समझ में आ रहा है ये एसोसिएशन की अलग से डेफिनेशन है यार वाजिद तो उस पे पहुंचेंगे ना हम पढ़ेंगे वो आगे के चैप्टर में आएगी अभी उसको छोड़ दे कंफ्यूजन हो जाएगी सही है समझ में आ रहा है समझ में आ रहे है? समझ में आया डिफरेंस दोनों का होल्डिंग और इसका जल्दी बताओ जल्दी अच्छा वाजिद क्या अच्छा क्वेश्चन है वाजिद क्या रहे पहले 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 में पॉइंट में ये समझ में नहीं आ रहा हम शेयर्स देख रहे हैं या वोटिंग वोटिंग पावर या देखो वो शेयर्स देखो दो तरह के शेयर होते हैं एक होता है जिसमें आप कहते हैं इसमें वोटिंग पावर नहीं है एक होता है जिसमें कहते हैं इसमें यू आर टू वोट अगर आपके पास कोई ऐसे काइंड kind ऑफ of शेयर हैं जिसमें आपके पास वोटिंग पावर नहीं है तो वो शेयर उसमें हट गए आपके पास जो फिफ्टी परसेंट देखो इसमें फिफ्टी परसेंट का मकसद क्या है फिफ्टी परसेंट का मकसद ये है कि आप कोई डिसीजन ले सके अगर आपके पास जो शेयर है वो वोटिंग शेयर ही नहीं है उसकी उसकी कोई वोटिंग पावर ही नहीं है तो यार आप किस तरह उसमें फिफ्टी परसेंट आप किस तरह कोई डिसीजन ले सकते हैं तो इसी वजह इसमें यूज हुआ गया है कि यार ये वो शेयर्स होंगे जिसमें वोटिंग पावर होगी

सही है अच्छा तो इसमें क्या हमने पढ़ा कोई आपके अच्छा कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछो मैं फिर मैं फिर आगे बढ़ते हैं दोनों चीजें क्लियर हो गई होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी सब बच्चे बताएंगे मुझे सारे पार्टिसिपेंट मुझे सुनना है मुझे सबसे सुनना है गुड चले चलिए अच्छा अब अच्छा इसमें एक बात उसने कही है कि डायरेक्टली और इंडायरेक्टली ये क्या होता है डायरेक्टली और इंडायरेक्टली मैंने एक चार्ट बनाया है डायरेक्टली और इंडायरेक्टली का मैंने एक चार्ट बनाया है मैं आपसे शेयर करता हूँ वेट करिएगा एक बैठ करिएगा हाँ जी चलें जी इसको शेयर करते हैं सही है नई नई स्किन आ गई होगी आप लोगों के सामने आ गई दिख रहा है दिख रहा है अच्छा जी चलो अच्छा देखो एक डायरेक्ट शेयर होल्डिंग होती है एक इंडायरेक्ट शेयर होल्डिंग होती है कंपनी ये है ए, ए, मुझे ए, मैं मैं एक मिनट दीजिएगा मैं जरा एक चीज खोल लू हाँ बच्चों चलो बहुत अच्छी चीज है यार ये बनाई है मैंने देखो इसको मजा आएगा आप लोगों को ऊपर मैंने कहा ऊपर लिखा जब तो डायरेक्टली और इंडायरेक्टली शेयर होल्डिंग आपकी पचास परसेंट डायरेक्ट इंडायरेक्टली क्या होता है यार अच्छा एक अच्छा देखो पहला केस केस वन केस वन है डायरेक्ट होल्डिंग का कंपनी ए है कंपनी ए है साठ परसेंट शेयर लिए हुए कंपनी बी के तो कंपनी ए क्या हुई कंपनी ए क्या हुई बताओ ना जल्दी बताइए पेरेंट होल्ड है पेरेंट तो का वर्ड ना यूज करें होल्डिंग का वर्ड यूज लिखेंगे ना होल्डिंग कंपनी सही है ये, तो ये कंपनी बी तो तो में पैसा लगा दिया कंपनी ए ने कंपनी बी में पैसा लगा दिया डायरेक्ट होल्डिंग हो गई डायरेक्ट पैसा उसका उसने अपने खुद बनाई है इसको डायरेक्ट होल्डिंग हो गई है अच्छा एक होती है इनडायरेक्ट होल्डिंग अब आएगा मजा अब देखो समझने वाली चीज है देखो मजा आएगा कंपनी ए कंपनी ए ने कंपनी बनाई कंपनी बी साठ परसेंट शेयर होल्डिंग है उसकी कंपनी बी ने कंपनी बनाई कंपनी सी सत्तर परसेंट शेयर होल्डिंग है उसके अंदर कंपनी बी की अच्छा कंपनी बी की होल्डिंग कंपनी कौन है पहले मेरा सवाल सुन के जवाब देना कंपनी बी की होल्डिंग कंपनी कौन है नहीं गलत सी से आ गया भाई सही है काफी बच्चों ने सही जवाब दिया ए सिक्सटी परसेंट शेयर है यार पचास परसेंट ज्यादा होल्ड कर रहे हैं तो उसकी होल्डिंग कंपनी हो गई अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा कंपनी बी ने सी बनाई है अच्छा सुनना अच्छा, 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 है सवाल अच्छा, अच्छा, आ, एंग्रो ग्रुप है अभी मेरा, मेरा सवाल सुने कंपनी बी ने कंपनी सी बनाई है अच्छा कंपनी सी की होल्डिंग कंपनी कौन है अभी ए एक को हटा दो ए को हटा दो अभी कंपनी सी की होल्डिंग कंपनी कौन है बी सही है अच्छा कंपनी सी की एक और होल्डिंग कंपनी है यार वो बता वो कौन सी है ए सही ए ए किस तरह है दिस इज इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग कंपनी ए ने बी बनाई बी ने सी बनाई तो देखो कंपनी सी है ना कंपनी सी को कंट्रोल कौन करता है तो कौन तो कर रहा है ए तो की बी में बी की सी में है, वो बी में भी जाके अपने को कर सकता है, C में भी जाके कर सकता है दिस इज शेयर होल्डिंग ए टू बी डायरेक्ट होल्डिंग ए टू सी इनडायरेक्ट होल्डिंग रिपीट करता हूं मैं रिपीट करता हूं मैं मैं रिपीट कर रहा हूं देखो कंपनी ए ने कंपनी बी बनाई बी ने सी को बनाया सही है तो ए तो इन्फ्लुएंस कर रहा है अपने डिसीजन बी में और बी सी में कर रहा है जब ए बी में कर रहा है तो ऑटोमेटिकली बी के सी में, तो में, तो में भी तो आ गया जब ए बी में कर रहा है तो ऑटोमेटिकली ए सी में भी तो आ गया मैं यहां पे साठ परसेंट फैसला ले सकता हूँ साठ परसेंट मेरी वोटिंग पावर है मैं पचास हजार चाहिए मुझे को डिसीजन लेने के लिए जब मेरी इसके अंदर साठ है तो ऑटोमेटिकली जब इसकी स्के अंदर सत्तर है तो मेरी भी स्क्रंदर सत्तर हो गई ना अच्छा सवाल है द होल्डिंग कंपनी ऑफ बी देयरफॉर इनडायरेक्टली इट इज होल्डिंग कंपनी ऑफ सी बिल्कुल 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 अच्छा इसी को मैं चेंज करता हूँ अच्छा ए ने अच्छा गौर से सुने मुझे बताएं जवाब दें ए ने बी बनाई सही है ए की साठ परसेंट है बी की चालीस परसेंट है शेयर होल्डिंग सी के अंदर अब बताए सी है इनडायरेक्ट होल्डिंग जवाब सब दो यार सब दो क्यों नहीं है ये भी लिखो क्यों नहीं है ये भी लिखें, नहीं है तो क्यों नहीं है हाँ मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ ए की शेयर होल्डिंग है A की एक शेयर होल्डिंग है साठ परसेंट बी में बी की शेयर होल्डिंग सी के अंदर है चालीस परसेंट अब बताओ सी की इंड होल्डिंग है ए की इनडायरेक्ट होल्डिंग है सी में बक्स अभी मैंने बोर्ड की कंपोजिशन का नहीं पूछा मैं शेयर होल्डिंग दो चीजों से सब्सिडी और होल्डिंग बनती है मिक्स ना करें एक है शेयर होल्डिंग फिफ्टी परसेंट हो या उससे ज्यादा हो एक है बोर्ड की कंपोजिशन बोट की कंपोजिशन की मैंने बात ही नहीं करी अभी सरफराज किस तरह बन जाएगी भाई 40 परसेंट शेयर होल्डिंग है चालीस परसेंट शेयर होल्डिंग है बी की सी में किस तरह इनडायरेक्ट हो जाएगी ए होल्डिंग कंपनी मुझे बताएं बाकी सबने सही जवाब दिए बस ये एक एक मुझे लड़के का जवाब सही नहीं लग रहा लेस देन उन्होंने कहा कि यार नहीं हो जाएगी नहीं होगी मैं नाम भूल गया आगे पीछे हो गई चैट भाई देखो सबने सही जवाब दिया वेरी गुड एक्सिलेंट ए की बी में साठ परसेंट बी की सी में चालीस परसेंट नहीं होगी इनडायरेक्ट होल्डिंग इनडायरेक्ट होल्डिंग नहीं है ए की सी में क्यों क्योंकि तो से ऊपर ही नहीं है बी की हाँ एक केस में हो सकती है एक केस में हो सकती है जब बी के यहाँ पे सी में बी के सी में ए के सी में नहीं बी के सी में यहां पे पांच सात में से चार डायरेक्टर बैठे हो अगर ए के सी में बैठे होंगे तो डायरेक्ट होल्डिंग हो जाएगी सुनो और अगर ए के डायरेक्ट सी में चार में से चार डायरेक्टर बैठे तो डायरेक्ट होल्डिंग हो जाएगी इस तरह अभी हमने ऊपर पढ़ा था अगर बी के सी में सात में से चार डायरेक्टर बैठे हुए बी के सी में सात में से चार डायरेक्टर बैठे हुए तो ए की इंडायरेक्ट होल्डिंग हो जाएगी बी के अंदर क्यों किस तरह हो जाएगी इंडायरेक्ट होल्डिंग में जवाब दो समझ में आया ही ये पहले पढ़ रहा है क्या हुआ जवाब नहीं आ रहा इसका मुझे किसी के पास से कंफ्यूज हो गए क्या एक्सेलेंट तहरीम एक्सेलेंट, तहरीम का जवाब बिल्कुल बेहतरीन जवाब दिया है कि कंट्रोल आ जाएगा ए के पास क्यों क्योंकि बी उसकी सब्सिडरी है एक्सीलेंट तहरीम बेहतरीन बिल्कुल वकाश ने भी सही कहा कि कंपोजिशन ऑफ बोर्ड मोर देन फिफ्टी परसेंट ए की भले से सी के अंदर कोई ना शेयर होल्डिंग है ना कंपोजिशन है बी की कंपोजिशन है उसके अंदर भले से चालीस परसेंट शेयर होल्डिंग है तो बी की उसके अंदर सात में चार डायरेक्टर बैठे हुए तो ए इनडायरेक्ट होल्ड कर रहा है उसको बी डायरेक्ट कर रहा है होल्ड ए इनडायरेक्ट कर रहा है ये वाले क्वेश्चन है सारे सही है क्लियर है क्लियर है मैं एक सिनेरियो सीनैरियो मेरे रजिस्टर में बनाओगे रजिस्टर में बनाओ अपने और मुझे बताओ दू सिनेरियो दू एक शॉर्ट शौर, टेस्ट दो मिनट का क्या कहते हैं सब चलो 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 सही है एक लिखो एक्स कंपनी है एक्स कंपनी की वाई कंपनी में एक्स कंपनी वॉइस नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही मेरी हेलो आ रही है ना सही है आप ना माइक चेक कर लो अवकाश अच्छा ए कंपनी अब आ रही है चलो चलो मुझे जल्दी जल्दी मिस हो रही है आवाज अब सही आ रही है चलो 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 मैं सिनारियो देता हूं किसी तरह का सिमिलर एक्स कंपनी है एक्स कंपनी की वाई कंपनी में सत्तर परसेंट शेयर होल्डिंग है बनाओ इसी तरह स्केच बनाओ अपने रिस्टों में सही है एक्स कंपनी की वाई कंपनी में सिक्सटी परसेंट सेवेंटी परसेंट शेयर होल्डिंग है वाई कंपनी की जेड कंपनी में फोर्टी परसेंट शेयर होल्डिंग है बताओ कौन सी कंपनी होल्डिंग है कौन सी सब्सिडरी है जल्दी बताओ और जेड क्या है जेड का कुछ है कोई होल्डिंग सब्सिडरी है जेड किसी की एक्स अगर होल्डिंग है तो किसकी है क्वेश्चन रिपीट करता हूं एक्स की एक्स की सेवेंटी परसेंट होल्डिंग है वाई में वाई की फोर्टी परसेंट होल्डिंग है जेड में बताओ कौन सी होल्डिंग है कौन सी सब्सिडरी है बेहतरीन बेहतरीन सबने सही तकरीबन सबने सही जवाब दिया है बी नहीं है भाई ए बी नहीं है आप हाँ, समझा आपने सुना ही नहीं ए और बी है ही नहीं मैंने एक्स वाई जेड है अच्छा बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने एक्स होल्डिंग कंपनी है वाई सब्सिडरी कंपनी है अच्छा एक और बनाए स्केच एक और बनाए एक्स की होल्डिंग है वाई में एट्टी परसेंट सही है वाई की होल्डिंग है जेड में हंड्रेड परसेंट अब बताएं जेड किस जेड क्या है वाई क्या है एक्स क्या है सारे सीनरियोज बताए सारे एक्स की होल्डिंग वाई में एट्टी परसेंट है वाई की जेड में हंड्रेड परसेंट है बताए कौन क्या क्या होल्डिंग है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी लिखना है इसके अंदर कहां गए बाकी बच्चे कहां गए जवाब दो सही है गुड गुड मैं मैं जवाब देता हूं उसका सही है तकरीबन सबने सही दिया है देखो एक्स होल्ड एक्स डायरेक्ट होल्डिंग कंपनी है किसकी वाई की एक्स इनडायरेक्ट होल्डिंग कंपनी है किसकी जेड की वाई डायरेक्ट होल्डिंग कंपनी है किसकी जेड की जेड क्या है जेड सब्सिडरी कंपनी लिख लो अपने पास जवाब मैं रिपीट करता हूं एक्स की एक्स डायरेक्ट होल्डिंग कंपनी है वाई की सही है एक्स इनडायरेक्ट है जेड की होल्डिंग कंपनी वाई डायरेक्ट होल्डिंग कंपनी है जेड की जेड क्या है सब्सिडरी है वाई की इनडायरेक्ट कैसे भाई इनडायरेक्ट ऐसे है कि एक्स की वाई में होल्डिंग है सही है वाई की जेड में है जब एक्स की वाई एक्स वाई को कंट्रोल कर रहा है और वाई जेड को कर रहा है तो एक्स इनडायरेक्टली जेड को भी कंट्रोल कर रहा है समझ में आ रहा है जब एक्स वाई को कंट्रोल कर रहा है तो वाई जब, जब जब मैं रिपीट करता हूँ कर कर तो कर जवाब कितनों के सही थे सारे मैं जवाब एक दो रिपीट करता हूँ एक्स होल्डिंग कंपनी है डायरेक्ट वाई की एक्स होल्डिंग कंपनी है इनडायरेक्ट जेड की वाई होल्डिंग कंपनी है डायरेक्ट जेड की जेड सब्सिडरी कंपनी है वाई की भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है एक्स की कितने के जवाब सही हुए गुड तहरीम हजर अगर X की Y पे 100% परसेंट है और Y की Z पे 100% परसेंट हो तो भी सेम होगा बिल्कुल सेम होगा 50 से ऊपर की बात हो रही है अभी 100-100 हो भले से तो भी यही रिलेशनशिप होगा वाजिद हंड्रेड परसेंट यही होगा सही तहरीम वेरी गुड एक्सीलेंट बाकी किसी का सही हुआ हाँ उमक भी देते हैं चलो गुड एक एक में एक दो मिनट रुक जाते अजान अजान हो जाए एक से दो मिनट ज्यादा नहीं सिर्फ दो मिनट का ब्रेक है मैं दो मिनट बाद ठीक शुरू कर दूंगा हमें पौने छह बजे ऑफ करनी है क्लास आवाज आ रही है मेरी हाँ हाँ बुक रेडी है भाई बुक रेडी है पढ़ाने से पहले ही बुक रेडी कर ली थी आवाज आ रही है अच्छा जी अच्छा सही है सबके सबके सब मैं उम्मीद करता हूं आंसर अच्छा, एक और सिनेरियो एक और सिनेरियो बनाते हैं हम गौर से तो सुनने सबका सही होना चाहिए जो एक आदमी गलत किया वो भी नहीं होना चाहिए एक्स की शेयर होल्डिंग है वाई के अंदर हंड्रेड परसेंट वाई की शेयर होल्डिंग है जेड के अंदर ट्वेंटी परसेंट सही है बताओ के इस अच्छा मैं पूरा कर देता हूं एक्स की शेयर होल्डिंग वाई के अंदर हंड्रेड परसेंट वाई की जेड के अंदर ट्वेंटी परसेंट और जो जेड है ना जेड में जो दस डायरेक्टर है दस में से छह जो ना वो वाई के है. अब बताओ कौन किसकी होल्डिंग है कौन किसकी सब्सिडी है डायरेक्ट बताओ इनडायरेक्ट बताओ पूरा प्रॉपरली वेल ड्राफ्ट आंसर होना चाहिए सही है सवाल समझ में आ गया एक्स की डायरेक्ट होल्डिंग है वाई में सभा सही है बिल्कुल एक्स की डायरेक्ट होल्डिंग और हो टू वाई सही है डायरेक्ट तो समझ गया आप लोग एक्स की डायरेक्ट होल्डिंग टू वाई सही है नहीं गलत गलत y की डायरेक्ट होल्डिंग नहीं है z के अंदर बल्कि सॉरी सॉरी सही है सही है y की डायरेक्ट होल्डिंग है कंपोजिशन के जरिए सही है y की भी डायरेक्ट होल्डिंग है सही है एक एक्सेस डायरेक्ट होल्डिंग ऑफ y एंड इनडायरेक्टली होल्डिंग z सही है वेयर एज y इज डायरेक्टली होल्डिंग z बेहतरीन 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 एक्सीलेंट मुझे एक आंसर में दो ना यार ये मतलब एक ही आंसर ने दिया है एक ही आंसर में सारे रिलेशनशिप बताएं नो चैट में मिस हो जाता है टुकड़ों में ना दें एक ही आंसर में एक ही आंसर, एक ही चैट एक ही मैसेज में मुझे सारे आंसर दें एक्सीलेंट यार एक्सीलेंट बाकी बच्चे भी समझ रहे हैं लेकिन तो ड्राफ्ट देखिए ड्राफ्टिंग भी बहुत अहम होती है देखिए जिस तरह मुझे तहरीम आंसर दे रही है और एक आध लड़के बाजी तो दे ये लोग मतलब अच्छे डेल ड्राफ्टेड आंसर दे रहे हैं

एक्स होल्डिंग कंपनी है वाई की, y holding है Z की, कंपनी है है है, कर रहा है Z को, सही है? और Z subsidiary है, एक्स की इनडायरेक्ट है, इन है मैं रिपीट करता हूं आंसर लिखे लिखे प्लीज ताकि जब क्लास खत्म होने के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस तरह चल रहा है इनशाला फिर हम इसको देख लेंगे मैं दोबारा एक दफा रिपीट कर रहा हूँ एक्स इज डायरेक्ट होल्डिंग कंपनी ऑफ वाई इनडायरेक्ट होल्डिंग कंपनी ऑफ जेड ये एक्स के रिलेशनशिप हो गए कितन का आंसर हंड्रेड परसेंट सही हुआ गुड तेरिंग गुड मैंने आपका तो था, answer, पूरा आपने दे दिया था हमजा वेरी गुड यार हमजा अनफ वेरी गुड सैयद हमजा वेरी गुड एक्सिलेंट वाकई सही हो रहा है झूठ नहीं बोल रहे अगर आप लोग तो बहुत अच्छा है मेरा 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 पर्पज अचीव हो रहा है अगर ये ये एक बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है ये एक बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है अगर आप लोग समझ रहे हो बहुत बहुत एक बहुत, बहुत अच्छी बात है एक्सीलेंट नहीं नहीं ऐसा नहीं है भाई कंपोजिशन होगी तो होल्डिंग और सब्सिडी का पता चलेगा ना यार हर कंपनी किसी ना किसी कंपनी की होल्डिंग कंपनी जरूरी नहीं है अगर सिंगल कंपनी है उसको लोगों ने मिलकर बनाया तो होल्डिंग थोड़ी होगी कंपनी कंपनी को बनाएगी तो होल्डिंग और सब्सिडरी और एसोसिएट का रिलेशनशिप आता है समझे वाजिद कंपनी अगर किसी कंपनी को बनाएगी तो डेट कंपनी विल इधर बी होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी और एन एसोसिएट कंपनी वाजिद समझ में आ गया दो कंडीशन की बात कर रहा हूं मतलब दो कंडीशन जो मैंने बताई हाँ उसको थोड़ा और एलिब्रेट करो मुझे तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा देखो जब होल्डिंग और जब तक कंपोजिशन नहीं लिखी हुई होगी हाँ कंपोजिशन नहीं लिखी हुई होगी तो आप कैसे पता करोगे देखो दो तरीके से होल्डिंग बन सकती है कंपनी या तो उसके बाद शेयर होल्डिंग हो पचास से ज्यादा या उसके बाद बोर्ड की कंपोजिशन हो सही है वाजिद क्लियर है वाजिद बेटा क्लियर है हाँ, बोर्ड वाले पॉइंट अगर जाए, का अच्छा सवाल है अगर सिर्फ लिखा हुआ होगा शेयर होल्डिंग है बोर्ड का कुछ भी ना लिखा हो तो भी होल्डिंग कंपनी है कुछ भी ना लिखा हो तो होल्डिंग कंपनी है देखो डेफिनेशन में दोबारा आता हूँ यार डेफिनेशन में दोबारा आता हूँ देखो उसमें क्या लिखा है उसमें और का वर्ड यूज हुआ है यार एंड थोड़ी हुआ है और का वर्ड वाज, सारे बच्चे सुन लें वाजिद ने एक पॉइंट रेस किया है अच्छा बोर्ड में कंपोजिशन नहीं है यार सिर्फ पचास परसेंट शेयर होल्डिंग है बोर्ड में दो बंदे बैठे हुए हैं बैठा हुआ सिर्फ पचास परसेंट ज्यादा शेयर होल्डिंग है बिल्कुल होल्डिंग कंपनी है अच्छा बोर्ड में पचास परसेंट शेयर नहीं है बीस परसेंट शेयर है लेकिन बोर्ड की कंपोजीन है तो क्या होगा होल्डिंग कंपनी है सात में से चार बैठे हुए हैं बिल्कुल होल्डिंग कंपनी है यार देखो ना और लिखा हुआ है ये देखो मेरे बच्चों और रही है एंड नहीं है सही है क्लियर हो गया सबको सही है क्लियर हो गया गुड गुड बाकी बच्चे है? बता दो जल्दी जल्दी क्लियर हो गया दो एक दो, दो सेकंड दे रहा हूँ और का वर्ड यूज है एंड नहीं है सही है अच्छा अच्छा अब अब इसके बाद देखें अब अब मैं पौने छः बजे छः बजे से पहले पहले मुझे ऑफ करनी है क्लास तो अब क्या करेंगे छोटे से कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लें अच्छा मुझे मुझे बच्चों एक सारे बात बताओ चीज़ें समझ में आ रही है मैं देखो एक चीज़ होती है देखिए मैं एक बात करता हूँ कि देखें एक चीज़ होती है कि हम लोग फेस टू फेस पढ़ रहे हो ये लिमिटेशन है कोरोना आ गया है इनशाला होपफुली हम लोग फर्स्ट जून से ना फेस टू फेस भी आ जाएंगे मैं बहुत पूरी उम्मीद हूँ कि इनशाला फर्स्ट जून से चीजें रिज्यूम हो जाएंगी सही है फेस टू फेस हम लोग नहीं है मुझे आपके फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे ना आप मुझे देख पा रहे हैं जो चल रहा है वॉइस चल रहा है आप लोग भी चैट पर लिख रहे हैं सही है तो यार क्या आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है देखिए फीडबैक देंगे ना तो इम्प्रूवमेंट आएगी फीडबैक दें आप जैसे ब्लड जच्चे ने बोला सर आप तेज बोलने में स्लो हो गया सही आवाज़ नहीं आ रही या कुछ समझ नहीं आ रहा ऐसी ना बैठे यार ऐसी ना बैठे टाइम नहीं ज़ाया करें अपना प्लीज मैं तो मैं तो टाइम अलॉटेड है मेरा मुझे आना है मुझे बोलना है आप लोग प्लीज अपना टाइम नहीं ज़ाया करें आ रहे हैं आप लोग देखें पौने चार से मेरे साथ बैठे हुए तकरीबन दो घंटे होने को जा रहे हैं और कंटिन्यू माशाल्लाह बच्चे बैठे हुए सबसे अच्छी बात ये तो दिस के यू आर सीरियस सही है तो मैं अज्यूम करूँ कि सारे बच्चे सीरियस हैं हाँ? सारे बच्चे सीरियस हैं ना मैं क्योंकि देखें एफ, एफर्ट का ना देखिए बच्चों जब भी मज़ा आता है जब आप लोग सीरियस हो एक क्लास में एक आ रहा है एक आ रही है या फिर एक नहीं आ रहा एक नहीं आ रही ऐसे मज़ा नहीं आएगा जितने बच्चे हैं वो कंटिन्यू ले सेशन तो मज़ा आएगा चीजें मिस नहीं होनी चाहिए यार समझ में नहीं आएंगी जो तो शुरू शुरू का टाइम होता है तो आप लोग कमिटेड हो मैं भी देखा मुझे भी मज़ा आएगा जब हंड्रेड परसेंट आप लोग देंगे ना तो टीचर को भी मज़ा आता है ना आप लोग हंड्रेड परसेंट नहीं होंगे ना तो फिर मुझे भी मज़ा नहीं आएगा आप लोगों आप लोग मेरी कमिटमेंट आप लोगों की अटेंडेंस पे और आप लोगों की कमिटमेंट बहुत डिपेंड करेगी मैं करूं करूँ सब बच्चे सीरियस है और अच्छे तरीके से मतलब मेरे साथ एफर्ट कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह क्लासेस बाकायदगी से लेनी है सबने मिस नहीं करनी है देखो छोड़ छोड़ के छोड़, छोड़। तो हो क्लासेस छोड़ोगे ना तो मुश्किल होगी सही है अच्छा तो देखो अब इसके बाद मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूं बल्कि यार मेरे हिसाब से करें ही नहीं करें अभी दस मिनट में हो जाएगा जल्दी ना होगा जल्दी ना हो जल्दी में समझ में ना आ पाए मैं एक पांच सेपर वगैरह पे अपनी अप्रोच पे थोड़ी बात कर लूँ क्या कहते हो आप लोग एक दस मिनट में कॉन्सेप्ट डिस्कस करें या एक अप्रोच पे बात कर लें और पास सेपर पर बात कर लें चलो सही है सही है पास सेपर पर बात करते हैं दस मिनट है बस जाना नहीं अभी कोई अहम बात करने लगा हूं मैं दस मिनट बात करते हैं फिर निकलते हैं इंशाल्लाह इसको खत्म करते हैं अरे देखो देखो बच्चों हमारा तरीकाकार ये होगा कि जैसे हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया सही है मैंने तरीका भी आपको बताया पहले मैं खुद बताता हूँ वो चीज़ टॉपिक के बारे में फिर मैंने उसको रीड किया फिर आप लोगों को समझाया फिर आप लोगों ने क्वेश्चन दिया एंटरटेन किया अच्छा अब इसके बाद जैसे पास पेपर्स आप लोगों के सामने जैसे मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ हर टॉपिक के पास पेपर्स फिर आ जाएंगे सही है तो होगा क्या कि यार मैं इसमें से सेलेक्टेड पास ना आप लोगों को दिया करूंगा कि आप लोग इसको सॉल्व करें और मुझे व्हाट्सएप करें अपने लिखा हुआ तमीज की राइटिंग में मुनासिब राइटिंग हो जो मुझे पढ़ने में आ जाए मुश्किल ना हो मुझे समझने में तो आप लोग करेंगे मैं उसको पढ़ूंगा चेक करूंगा और मैं आके क्लास में बताऊंगा शुरू के पंद्रह से बीस मिनट की यार कॉमन मिस्टेक्स क्या थी सही है फिर मैं बताऊंगा कि यार सवाल लोग किस तरह एंटरटेन करना है कि किस तरह लिखेंगे देखो आती हुई चीज में से नंबर लेने हैं आपने मैं एक चीज फिर रिपीट करता हूँ यार देखो सत्तर से पिछहत्तर सत्तर से अस्सी नंबर का पेपर ना आप लोगों को इनशाला आता होगा हर पेपर में आता होगा सही है तो होता क्या है वो सत्तर अस्सी नंबर के पेपर में से ना यार आप लोगों ने नंबर उठाने जो तो पंद्रह बीस नंबर में पूरे पाकिस्तान के लिए मुश्किल होंगे वो आपके लिए मुश्किल होंगे वो सामने वाले के लिए भी मुश्किल होंगे सही है तो उससे नहीं घबराना है जो आती हुई चीज नहीं गलत करनी है या जो चीज सही तरीके से पढ़ाई जा रही है समझाई जा रही है आपने समझना है क्वेश्चन को सही तरीके से एंटरटेन करना है दो हजार सत्रह का एक में से भी दिखा रहा हूँ उसने तीन लाइनें बताई है, 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 ये, ये, है फिर वो आपसे पूछता है कि यार मुझे बताओ जीटा क्या करेगी तो आपने जीटा को आगे लेके चलना है आपने फॉलोइंग रिक्वयरमेंट लिख के पूरा आंसर जो दिमाग में सब छा, छाप के आ गए लेकिन कह चार में से दो नंबर ज्यादा नहीं मिलेंगे फिर ये नंबर आते हैं आप कहते हैं मेरे चालीस आए

समझा मैं भी दूंगा समझ आप भी लेंगे लेकिन आपने यार इसको सवाल को जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप सिर्फ डट के चले जाएंगे आप यकीन करें फेल होंगे जब तक आप सवाल को सही तरीके से नहीं समझेंगे आप सवाल के अकॉर्डिंग आंसर नहीं करेंगे आप पास नहीं हो सकते ये सब्जेक्ट ये एक फजूल की प्रोपोगेंडा है कि ये पेपर मुश्किल है ये पास नहीं हो सकते ये फजूल की बकवास है लिटरली बकवास है ये पेपर बहुत आसान है अगर आप सही तरीके से पढ़ें मेरा अपना भी एक पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट रहा है लॉ का जी मैंने इस सब्जेक्ट को चूज़ किया कि यार मैं जब इसमें फर्स्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हो जाता था एक दफा ही मेरा रुका है तो वो भी फाइनल का रुका था यार जब मैं एक चीज़ फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने पास की है जब मुझे इसका समझ में आ गया था मुझे जिसको किस तरह पढ़ के पास कर रहे तो यार मैं स्टूडेंट्स को भी एक चीज़ पढ़ा सकता हूँ और उनको भी इनशाला अच्छी तरह से पढ़ा के वो लोग भी इनशाला मेरी नॉलेज से फायदा लेके पास हो सकते हैं तो आप लोगों ने यार जो जब जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ समझा रहा हूँ आप लोग उसको फॉलो करें सिर्फ याद करने से रटने से कुछ नहीं होगा सही है आप लोगों को उसको अप्लाई करना है इसमें नॉलेज एप्लीकेशन की बात है अकाउंट्स का सवाल बड़ा डिफरेंट होता है इससे वहाँ आपने नंबर्स का गेम होता है यहाँ आपको एक्सप्लेन करनी है चीज़ को ये काफ़ी डिफरेंट है कंपनी लोगों को पहले शुरू करने का मकसद भी है कि इंटरटेनिंग है मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को भी इसमें पढ़ने में मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू कर देता है उसमें बोरिंग है बोरिंग इन द सेंस कि प्रैक्टिकल नहीं है इंटरटेनिंग वो भी है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल है डायरेक्टर क्या होता है शेयर्स क्या होता है सारे आप इन ऑडिट फॉर्म में जाके और आगे आप लोग काम करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे समझ रहे हैं आप लोग नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पहले भी आते थे और पास से पर और जो पर जो इंशाल्लाह मैं आ वो भी बना रहा हूँ क्या नाम है एमसीक्यूज़ बनाऊंगा इन फ्यूचर तो आप लोग जो भी इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे सेक्शन तो हम लोग उनको वो भी एंटरटेन करेंगे वो भी देंगे तो वो इस पर आप लोग बेफिक्र रहे इंशाल्लाह एक एक चीज समझाई जाएगी बताई जाएगी वो आप लोग टेंशन ना लें उसकी बस आप लोगों की कमिटमेंट चाहिए होगी मुझे ये नहीं कि एक क्लास में आ रहे हैं एक क्लास में नहीं आ रहे ये चीज फिर मजा नहीं आएगा ना पढ़ाने में मजा आएगा ना पढ़ने में मजा आएगा तो जो भी आज स्टूडेंट्स थे इन शाला नेक्स्ट क्लास मेरी ट्यूजडे को होगी होपफुली आप लोग सब उसमें तो आइएगा ताकि हम इस चैप्टर को क्लोज और करेंसेप्ट मिस करोगे ना नेक्स्ट क्लास में नहीं समझ में आएगा जैसे मुझे बच्चा बोलता प्राइवेट कंपनी का मैंने कॉन्सेप्ट मिस कर दिया मैं इनशाला नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा शुरू में दस मिनट में प्राइवेट कंपनी को जब मैं सब स्टूडेंट्स से रिपीट करूंगा तो वो बच्चा भी आ है मैं समझा दूंगा मैं एक बार रिपीट करूंगा इसको शुरू शुरू की क्लास में हम रिपीट करेंगे इस वजह से कि यार कॉन्सेप्ट नए बनने में लोगों को कैसे छेड़ने में समझने में टाइम लगता है दस से पंद्रह मिनट रिविजन का होगा उसके बाद फिर हम इनशाला शुरू कर देंगे इसको तो सही है फिर हम इसको आज आज की क्लास को यहीं रखें क्लोज करें क्या कहते हैं फिर इनशाला नेक्स्ट क्लास में आप लोग सब टाइम पे आइएगा और अपने और आप दूसरों को भी इनवाइट करें यार अगर और फीडबैक जरूर दें भाई फीडबैक जरूर दें कि आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा मुझे मुझे बताएं कोई चीज़ कन्फ्यूजन है मुझे बताएं कोई चीज़ आप लोगों को लैक लग रही है आवाज में मसला है कुछ भी है आप लोग मुझे बताएं कोई क्वेश्चन एंटरटेन नहीं हो रहा है व्हाट्सएप पे पूछ लें ग्रुप अच्छा आप लोग सारे ग्रुप में हैं जितने जितने भी इतने भी हमारे पार्टिसिपेंट ने ग्रुप में हैं सारे कोई ऐसा तो नहीं जो ग्रुप में नहीं है उसका मतलब सब तकरीबन है सबने नहीं लिखा यार सब नहीं है ये ग्रुप पे हाँ तो सही है फिर इनशाला इसको आज आप जहां तक रखते हैं इन शायद नेक्स्ट क्लास में उसको देखते हैं यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और पास पेपर नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा मैं तो आप लोगों को होमवर्क दूंगा जो तो बच्चे होमवर्क होमवर्क कर रहे थे होमवर्क आप लोगों का पास पेपर ही हुआ करेगा तो ये पास में बहुत सवाल है बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं हम पास से, से ही होमवर्क निकाला करेंगे सही तो है तो इन नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं इशाला फुल ट्यूजडे को होगी बाकी आप लोगों को पेज पे हैं और बाकीियों को भी इन्वाइट करें फ्रेंड्स को अपने अगर पर आना चाहता है ज्वाइन करना चाहता है मेरी तरफ से वेलकम है और आप लोग भी इन नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करें और कंटिन्यूटी के साथ ज्वाइन करें सही है थैंक यू जी अल्लाह हाफिज नहीं 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 होमवर्क होमवर्क नेक्स्ट क्लास के लिए कोई भी नहीं है नहीं देखो होमवर्क पास सेफर ही हुआ करेगा मैं पास सेफर कराऊंगा आप लोगों को दूंगा पहले आप लोग सॉल्व करेंगे फिर मैं बताऊंगा क्या गलतियां की हैं वही आप लोगों का होमवर्क हुआ करेगा प्रैक्टिस भी उसी से होगी हाँ लेक्चर लेक्चर की रिकॉर्डिंग हो रही है इनशाला अवेलेबल होगी होगी लेक्चर की रिकॉर्डिंग इनशाला अवेलेबल होगी यूट्यूब पे भी डाल देंगे सही है जी उसको एंड करते हैं अल्लाह हाफिज़